हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हर हर महाकाल, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान की कृपा पे बने रहे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। हेलो गाइस, तो ये मैं यहाँ ऊपर आई हूँ और आज भी मौसम ठीक नहीं है। 3-4 दिन तक धूप थी और हल्की फुल्की धूप निकल रही है और मैं यहाँ छत पर आई हूँ। छत पे तो मैं पहले भी आई थी कपड़े वपड़े धोने के लिए, तो ये देखो, ये मेरे सारे कपड़े सूख रहे। मैंने आज मशीन लगाई थी और मैं यहाँ आई हूँ मेथी साफ करने। देखो, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, ये हल्की फुल्की धूप निकल रही है और बादल ही बादल हो रहे हैं। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन रहती है। सर्दी का मौसम आता है, बस हालत डाउन, ऐसा लगता है बस जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। जीना है किसके लिए? बच्चों के लिए जीना, और किसी के लिए नहीं जीना, सिर्फ बच्चों के लिए जीना, बच्चों के फ्यूचर के लिए जीना। जब तक बच्चों की शादी नहीं हो जाती, जब तक जीना है तो जीना ही है। हेलो गाइस, तो ये मैं ऊपर बैठी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। कोल्ड की वजह से मेरी आँखें वहाँ की सारी चीज़ें सूजी हुई हैं, और जैसे मैं खांस भी रही हूँ ना, तो मेरी ये सारी चीज़ें दर्द कर रही हैं। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, ये सारा जकड़ा पड़ा हुआ है ये, और हल्का हल्का फीवर भी हो रहा है। फिसल गया है इधर ही से, फजूल से बड़े हैं वो, देखो। ये सब गूगल में चली जाती। A few moments later. Hello guys, तो आज है इसका पेपर, फिजिकल एजुकेशन। तो आज तेरे को कैसा लग रहा है? आज तेरा पेपर है। कुछ नहीं हो रहा, खुशी हो रही है कि जल्दी बस पेपर खत्म हो जाए, उसके बाद मजे करूंगा। और इसके तो 22 तारीख से पेपर है, ये खसना हो रहा है, खासता रहता है, खासता रहता है। अब चालू हो गई इन दोनों की लड़ाई, मत फेंक के मार, कुछ भी लग जाएगी ऐसे। रहने दे, क्यों फाइट कर रहा है, रहने दे ना, लग लगा जाएगी। देख फिर नहीं मानोगे दोनों। बस ये ऐसी होनी चाहिए फाइट, है ना? ये क्या हो रहा है, ये पागलपंती दिखा रहे हो ना दोनों। लगी उसकी रीढ़ की हड्डी में, ये आपको ज्यादा ही नहीं कर रहा है कुणाल। और बता पेपर, एक मिनट, मैंने पेपर के बारे में पूछा है ना, बहुत कर रहा है कुणाल, हड्डी गई का, उसको दिखाओ ना। उसको तो दिखाऊंगी तेरे पेपर के बारे में। आज ये 10th क्लास का, 10th क्लास का बच्चा और पहला पेपर देने जा रहा है, और वो भी स्कूल की ड्रेस में। बिल्कुल टाइट टाइट सो रहा है। नहीं रहने दे, वहाँ ठंड लगेगी क्योंकि सुबह का टाइम है, गर्मी का टाइम थोड़ी है अभी। और छोड़ने के लिए ये जाएंगे, अभी चाय पी रहे हैं, इनको और कोई जगह मिली नहीं है, या तो वहीं बैठ के खाना खाएंगे कभी कभी, या तो चाय पियेंगे। पास में जाके दिखाओ ना, इस रोड में दिखेगा नहीं। अरे मम्मी, मैं जल्दी उतारना है। क्या उतारना है? ये अंदर ग्रीन कलर की टी शर्ट उतार दो, ये चुभन हो रही बहुत ज्यादा, खुजली हो रही शरीर में। अच्छा उतार दो, ठीक है उतार ले। ठीक है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है। पैन वैन सारी चीजें रख लियो सही से, आई कार्ड वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह सब। आज है मेरे बच्चे का पेपर, आज इसका एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन है। और चाबी दे दे, देख मोटी होगी या तो नीचे होगी। तो इसको कैसा लग रहा होगा आज पहला दिन अनुभव करके आएगा पेपर में, आज का पहला दिन। फिर इसको जो घबराहट और जो अजीब सा फील हो रहा होगा, वो आज इसकी घबराहट बेचैनी निकल जाएगी पहले वाले पेपर में।
फिर इसको सेकंड पेपर में इतनी मुश्किल नहीं होगी, इतना सोचना नहीं पड़ेगा कैसे क्या होगा। अब वो तो यही जाने, क्योंकि मैंने भी टेंथ का पेपर दिया था, मुझे भी पहली बार अजीब सा फील हुआ था कैसे पेपर होगा, कैसे क्या फील करना पड़ेगा। टेंथ का बोर्ड का पेपर, बोर्ड का पेपर होता है। A few moments later. तो गाइज यहाँ देखो कुणाल मेरी हेल्प कर रहा है सब्जी कटवाने में, और जल्दी जल्दी सब्जी काट के फिर हम जाएंगे कुणाल की दवाई लेने के लिए। रौनक के डैडी वहीं क्लिनिक पर आ जाएंगे। कुणाल की मैं वीडियो बना रही हूँ सब्जी काटते हुए, और कुणाल कह रहा है मम्मी मेरी वीडियो मत बनाओ, जिंदगी में छोटी छोटी चीजें कैप्चर करनी चाहिए ना। A few moments later. क्लिनिक में जाके डॉक्टर को हमने दिखाया, और डॉक्टर ने ये कहा कि ये कमजोर है, तो मतलब कि ठीक है, अंदर से स्ट्रोंग है, इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, और इतना तो बच्चा होता ही है फिट। पर मुझे तो पता नहीं क्यों लगता है, माँ हूँ ना तो माँ को लगता ही है कि बच्चा कमज़ोर है, खाता पीता नहीं है। तो यहाँ पर रौनक के डैडी हमें पिज़्ज़ा बार में लेके आए हैं, और मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये कह रहा मम्मी वीडियो मत बनाओ। कुणाल को तो बहुत शर्म आती है। 2000 years later. बोलो ना, नहाती है ना धोती है? रौनक के डैडी तो बस एक ही रट लगाए रखते हैं एक हफ्ते से, ना नहाती है ना धोती है, ना शौक करती है ना श्रृंगार करती है, कुछ भी नहीं करती है, तैयार नहीं रहती है, और ऐसे ही बनी रहती है। पता नहीं मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है, 2 दिन ठीक रहूँगी फिर 4 दिन बीमार रहती हूँ, ऐसे ही चल रही है तबीयत, तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है, और ये मुझ पर गुस्सा होते हैं, तैयार नहीं रहती है। ये इनका स्टाइल है यहाँ बैठ के जूते पहनने का, यहीं पर जूते उतारते हैं और यहीं पे पहनते हैं। पहले तो क्या साफ करेंगे पैर को, फिर जुराब पहनेंगे, जुराब से ही साफ करेंगे पैर के तलवे, फिर जुराब पहनेंगे। ये स्टाइल इनका पहनने का, ये वाली जुराब बहुत अच्छी है, आप लोग भी खरीदना, मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर बहुत अच्छी जुराब है ये, गर्म जुराबों में बहुत अच्छी जुराब है ना। इनका जूता बांधने का स्टाइल, तो गाइज ये है शिखा, और ये बेसिक मेहंदी सीख रही है। हेलो गाइज, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखो, ये ना मुझे देख के हंस रही है, ये इसको देखो, ये मुझे देख के हंस रही है। और ये मैंने नेल पेंट लगाया है, तो ये देखो कैसा लगा आपको नेल पेंट, ये देखो। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, तो मैंने अभी बिंदी लिपस्टिक अभी मैंने कुछ नहीं लगाया है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं तैयार भी हो जाऊंगी, है ना, है ना? हाँ। I think about is you, don't stop and you can walk through. हिलाया मत कर वीडियो को, ठीक है, बताए ना।